हाय गाइस, वेलकम बैक। आज हम रिएक्ट करेंगे ट्रेलर जो के है इमरान हाशमी का, और ये ट्रेलर का नाम है द बॉडी। और इसमें है इमरान हाशमी, शोभिता धुलीपाला वेदिका, और है ऋषि कपूर भी इसमें। तो ऋषि कपूर को काफी टाइम के बाद देखा, आई थिंक लास्ट इमरान हाशमी को भी बहुत टाइम हो गया। हाँ, लास्ट टाइम उनको मुझे इम्पैक्टफुल रोल देखा था मुझे अग्निपथ, ऋषि कपूर का बहुत इम्पैक्टफुल अच्छा था। इमरान हाशमी तो बॉडी ऑफ बर्ड किए थे, वो तो नेटफ्लिक्स सीरीज था, तो उसके बाद में ये आ रहे हैं। तो द बॉडी वो पोस्टर देखते ही कुछ लाइक क्राइम वाइम ऐसा कुछ लग रहा है, नाम से ही लगता है कि द बॉडी वो थोड़ा सीरियस। या और दिसंबर 13 को मूवी रिलीज होगी, तो एक काम करते हैं, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस ट्रेलर को रिएक्ट करते हैं एंड देन विल शेयर योर थॉट्स। चलिए देखते हैं इस ट्रेलर को। ये अजीब ही केस हुआ है यहाँ पे, ड्यूटी पे कौन था? यहाँ का सिक्योरिटी गार्ड। उसका स्टेटमेंट लिया? बहुत डरा हुआ है। क्या देखा तुमने यहाँ? वैसे ये बॉडी थी किसकी? क्या आप माया वर्मा को जानते हैं? She was a powerful businesswoman. इस वक्त इसके पति के अलावा इसके फैमिली में और कोई नहीं। मिस्टर पुरी करते क्या? माया की लेबोरेटरी में डायरेक्टर है फिलहाल तो। और सर विजिटिंग प्रोफेसर के तौर पर यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है। आपके साथ किसी की ऐसी दुश्मनी थी जो वो निकालना चाह रहा हो? बिल्कुल नहीं। आप क्या करते हैं अपने दुश्मन के साथ? यहाँ पे मुझसे सवाल पूछने से अच्छा है आप जाके बॉडी ढूंढिए ना। माया की बॉडी मॉक से गायब होगी। मुर्दे खुद तो उठकर कहीं जा नहीं सकते, कोई तो अंदर घुसा है और बॉडी चुराई गई है। क्या वो बच सकती थी? मैंने सब कुछ सही किया था, उसके बचने का कोई चांस ही नहीं था। आज रात तुम सिर्फ मेरे हो। ऑटोप्सी से बचने की कोशिश है ये, क्योंकि मर्डर छुपाया जा रहा है। ये सारा खेल माया का है। She might be faking her death. हम दोनों के अलावा सिर्फ माया को पता हो सकता था कि उसके साथ क्या हो रहा है। तुम कभी मुझे छोड़ के नहीं जाओगे ना? मर्डर छुपा रहे वो। माया कुछ कहना चाह रही है। Mr. Puri, I know you're inside. Mr. Puri, bahar aaiye, please. Mr. Puri? Oh, yeah. Oh, God. I mean, ये तो बहुत सीरियस ही बन गया मूवी ये। वो परफॉर्मेंस को तो I mean, परफॉर्मेंस में उतना डायलॉग्स का उतना ये नहीं था लाइक नॉर्मली व्हाट वी सी इन हिज ट्रेलर्स। इसमें इट्स मोर ऑफ आई थिंक दे आर शोइंग दैट ही इज वन हु प्लान्ड इट एंड ट्राई टू। वो क्लियर है, वो क्लियरली दिखा रहे हैं वो एक्चुअली क्या मरी है या नहीं है। इज समथिंग दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू। दिस इज डेफिनेटली नॉट हॉरर, दिस इज थ्रिलर, क्राइम थ्रिलर है। एंड ये समथिंग रिलेटेड टू साइंस वैसा कुछ होगा जहाँ पे कुछ मे बी कुछ केमिकल्स की वजह से या कुछ तो एक सोल्यूशन की वजह से शायद मे बी उन्होंने मिला के पिला दिया होगा मगर वो असर नहीं किया है एंड शी जस्ट कम्स आउट एंड शी टेक्स रिवेंज। वैसे कुछ तो ऐसा फंडा होने वाला है शायद, मुझे लगता है ऐसे। या आई मीन हो सकता है, आई मीन दैट्स हाउ द बॉडी जो हां बट वो छुपाने के लिए बिकॉज़ ही वाज नॉट एबल टू फ्लैश ही है। आई मीन इट लुक सो रियल, आई मीन ऑब्वियसली वो हाथ उठा के नहीं खाते, इट्स जस्ट सीन कट है। यू कैन सी देयर इज अ कट बिटवीन द सीन व्हेन ही पिक्स इट अप एंड व्हेन ही कम्स अप एंड देयर इज अ डिफरेंट सीन। Obviously he not, but the way the editing has been done is so impactful, you feel so real. Oh, let's leave that last. Yeah, anyways. Yeah. But the way it's been directed is really nice, क्योंकि इसके इसमें दिखाया था क्योंकि director हैं दृश्यम जो कि वो अजय देवगन का movie था ना बनाए थे। So वो अजय देवगन का that was about a murder. Yeah. That was also about murder crime. That but how they nice. I think that was a remake. That was also a remake actually from Kannada movie जिसमें yeah. रविचंद्रन थे। हाँ, या रविचंद्रन थे। रविचंद्रन का movie था वो बहुत Daughters का था।
अच्छी मूवी थी वो बेटी का वो ये बचाने मर्डर बचाने के लिए हाउ दे कवर अप एंटायर फैमिली दे से एवरीथिंग सेम एंडिंग में ही वो छोटी बच्ची रहते ना क्या ऑसम डायरेक्टेड मूवी था वो आई वाज सो हैप्पी टू सी दैट मूवी उसमें तब तो इन कौन तब्बू थी ना तब्बू वो अपोजिट पुलिस थी एंड द वे शी आल्सो परफॉर्मड वाज डायरेक्शन वाज रियली वेरी नाइस तो इसमें भी वी कैन सी राइट इट्स बीन वेरी वेल डायरेक्टेड इमरान हाशमी को सेलेक्ट किया है एज एन एक्टर दैट मींस इमरान हाशमी ही बिलीव्स इन गिविंग हिज बेस्ट डेफिनेटली उनके जो स्टोरी कॉन्सेप्ट होते हैं जो कंटेंट और गाने स्मूथ तो होता है तो इसमें भी है वो व्हिच इज कॉमन अभी तो कॉमन हो चुका है एंड जो गाने होते हैं उनकी गाने की आई डोंट नो के उनके नसीब में वो अच्छे गाने आ जाते हैं या वो सिर्फ वो सेलेक्ट करते हैं पर्पस ऑन पर्पस बेसिस कि उनके गाने अच्छे ही होना है क्योंकि उनके हर एक मूवी के गाने बहुत अच्छे होते हैं और उनका जो स्टोरी कंटेंट वो सिलेक्ट करते हैं वो भी बहुत अच्छा है वो भी स्ट्रांग रहता है और उसके साथ ये दो कॉम्बिनेशन के साथ उनकी एक्टिंग माशाल्लाह इट्स वेरी नाइस आई एंजॉय हिज मूवीज तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड क्योंकि ये थ्रिलर भी है इमरान हाशमी है स्टोरी अच्छी लग रही है तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि गाने भी अच्छे होंगे तो पूरा लाइक यू नो ओवरऑल लाइक पैकेज है आल्सो ऋषि कपूर वाज लाइक वेरी इंपैक्टफुल इन रोल आई मीन दो ही इज पुट ऑन विद उनका बट द वे ही डिलीवर्ड हिज परफॉर्मेंस आई मीन बहुत अच्छी लगी बहुत अच्छी लगी ऋषि कपूर उनकी भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है अग्निपथ में अगर आप देखो तो आपको डर लग जाएगा वो और संजीत दत्त दोनों का भी उतना खतरनाक सिर्फ देखने से ही यू नो आपको वो फ्लेवर मिल जाता है कि वो कैरेक्टर का क्या फ्लेवर होगा वाज नॉट ओनली अबाउट ऋतिक रोशन परफॉर्मेंस उसमें जो दो विलन थे उधर एंड दे गेव इतनी दमदार परफॉर्मेंस के ऋतिक रोशन संजय दत्त और ऋषि कपूर ये तीनों की भी जो एक्टिंग थी बहुत अच्छी थी तो ये पूरे अच्छे एक्टर्स हैं और इनके साथ ऐसी काइंड ऑफ मूवीज बनाएंगे तो इट्स लाइक यू नो मजा ही आ जाएगा मोर ऑफ अ स्टोरी कंटेंट बेस्ड तो ऑक्यूपाइंग पक्का होगी बैक टू बैक ट्रेलर देख रहे हैं कल हमने रिव्यू किया था इसका मर्दानी 2 का दैट गिव्स सो मच इंपैक्ट एंड दिस वन इज आल्सो लाइक सुपर्ब मुझे लग रहा है कंपटीशन इतना बढ़ गया कि एक से बढ़कर एक लोग आ रहे हैं दिसंबर 13 वो भी दिसंबर 13 को ही आ रही है दिसंबर को ऐसा है क्या एरा के एक कॉमेडी का एरा आता है एक थ्रिलर का एरा आता है एक हॉरर का आता है तो अभी हमने कॉमेडी के पूरे सीरीज़ ख़त्म ही किए थे कि दबंग 3 का एक ऐसा मोड़ आया एक ब्रिज या एक गैप जैसे और उसके बाद लगातार हम जो देख रहे हैं थ्रिलर के आ रहे हैं बहुत सारे थ्रिलर मूवीज हाँ तो देखते हैं कि कैसा होने वाला है नवंबर और दिसंबर तो लाइक मूवी वॉचर्स के लिए आपको ये हमारा रिएक्शन अच्छा लगा होगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे चैनल को तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले बेल आइकन को क्लिक करें शेयर कर दीजिए वीडियो अपने फ्रेंड के साथ तो चलिए इसी के साथ यहाँ पे इस वीडियो को एंड करते हैं बहुत जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में अंटिल देन टेक केयर ऑफ योर हेल्थ स्टे हैप्पी स्टे ब्लेस्ड बाय बाय बाय